सुपेला थाना पुलिस ने बॉम्बे आवास नेहरू नगर निवासी आदतन चाकूबा चोरी के आरोपी कोमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू और सनक्रॉस साइकिल को बरामद कर लिया गया है। सुपेला थाना पुलिस द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में त्योहारों के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा क्षेत्र में चाकूबाजी और चोरी की घटनाओं में संलग्न कोमल सोनी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू और चोरी की सनक्रॉस साइकिल को बरामद किया गया है। इस मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये एक आरोपी है बॉम्बे निवासी कोमल सोनी करके, पूर्व में भी बहुत सारे मामलों में हम सेक्टर वगैरह में और चोरी के मामलों में पुलिस ने इसे जेल भेजा है और कार्रवाई लगातार हुई है इसके विरुद्ध में। आदतन अपराधी किस्म का बंदा है। अभी बीच में एक घटना हुई थी, ये ग्रैंडलैंड होटल के कुछ कर्मचारी थे जिनके ऊपर चाकू से धारदार हथियार से हमला हुआ था और कुछ चोरी की कोशिश हुई थी वहाँ से, में एफआईआर किया गया था। एफआईआर के बाद पे अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। सूचना मिली थी कि कोमल सोनी इस मामले में इन्वॉल्व है। सूचना के आधार पर जब कोमल सोनी को पकड़ा गया तो उसके पास से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है और घटना को स्वीकार किया है, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध में संबंधित मारपीट की धाराओं के साथ में 25-27 आम से की धारा भी जोड़कर कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने एक अन्य जो चोरी साइकिल की चोरी को भी कबूल किया है और उसके पास से घर के पास से उसके घर से साइकिल जो चोरी गई साइकिल थी उसको भी बरामद किया गया है, जिसके विरुद्ध में 389 का एफआईआर हुआ था। आरोपी जो कोमल सोनी है ये लगातार इस तरीके का अपराध करने का आदी है और पहले भी कई बार इसको जेल भेजा गया है। आज संबंधित धाराओं में से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि आरोपी को पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा जा चुका है। जेल से छूटते ही आरोपी द्वारा एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जेल से बाहर आते ही आरोपी गंभीर अपराध को अंजाम देता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।